महात्मा गांधी एक ऐसा नाम है जिसे भारतीय नहीं पूरी दुनिया को परिचय करने की जरूरत है। सत्य हिंसा के पुजारी जिसने बिना सत्र उठाए अंग्रेजों को मार दिया। आज मैं दर्जोशी कक्षा 3 का छात्र आपके सामने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जीवन में घटती एक घटना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिससे हमारे जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक दिन गाँव के मुखिया जी गांधी जी के पास आए और बोले, बापू कल हमारे गांव में एक सभा का आयोजन है, हम आपसे विनती करना चाहते हैं कि आप वहां आए। बापू बोले, सभा का समय क्या है? वह बोले, बापू 4 बजे। गांधी जी बोले, हम अवश्य आएंगे। मुखिया जी बोले, हम मैं गाड़ी लेकर भी आ जाऊंगा जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। अगले दिन जब गांधी जी पूरी सही से तैयार हो गए थे पर मुखिया जी नहीं आए, वह थोड़े से चिंतित हो गए थे। जब थोड़ी देर जब मुखिया जी गांधी जी के पास आए तो देखा कि वहाँ पे गांधी जी नहीं है। वह उन्हें आसपास ढूंढने लगे और रास्ते में सोचने लगे कि अब मैं गांव वालों को क्या बोलूंगा। जब वो सभा स्थल में पहुंचे तो देखा कि वहाँ पे गांधी जी भाषण दे रहे थे और सभी उनका भाषण सुन रहे थे। जब भाषण खत्म हुआ तब मुखिया जी ने गांधी जी से पूछा कि आप सही वक्त पर कैसे पहुंचे। तब गांधी जी ने बताया कि जब आप 4:30 बजे नहीं पहुंचे तो मैंने सोचा कि मेरे कारण इतने लोगों का समय बर्बाद हो रहा है, इसलिए मैंने साइकिल उठाई और मैं आ गया। मुखिया बहुत शर्मिंदा थे, उन्हें अपनी गलती का एहसास था। गांधी जी बोले, समय बहुत मूल्यवान है, इसलिए हमें समय का सही प्रयोग करना आना चाहिए। धन्यवाद।